दोस्तों सुनील शेट्टी ने अपने दामाद केएल राहुल को दिए 50 करोड़ रुपए। इससे पहले आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहले मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल करने के साथ ही सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। 190 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने एक समय 16 के स्कोर पर 3 अहम विकेट गवा दिए थे। इसके बाद राहुल ने एक छोर से पारी को संभालते हुए लक्ष्य की तरफ लेके जाने का काम किया, जिसमें उन्हें रविंद्र जडेजा का भी बखूबी साथ मिला। राहुल ने जहां 75 रनों की नाबाद पारी खेली, वहीं जडेजा ने भी नाबाद 44 रनों की पारी खेली। दोस्तों केएल राहुल ने भारत के लिए सबसे अच्छी बैटिंग करके दिखाई और कंगारू टीम से जीत छीन ली। इसीलिए केएल राहुल की इस बैटिंग से खुश होकर सुनील शेट्टी ने उनके दामाद केएल राहुल को 50 करोड़ रुपए तोहफे में देने का फैसला लिया।